राम राम भाई सभी भाइयों को। तो भाई आज अपनी टीम जा रही है बठिंडा टूर्नामेंट खेलने के लिए, पंजाब टूर्नामेंट खेलने के लिए, और यस्टरडे खेल के आए थे भाई सिकंदरपुर टूर्नामेंट, लेट नाइट पहुंचे थे जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो बाकी बढ़िया टूर्नामेंट रहा, विशेषता मैंने बताई टूर्नामेंट की, बठिंडा टूर्नामेंट है भाई, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। 31,000 फर्स्ट इनाम है भाई और सभी टॉप सेट आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। बाकी अपनी टीम भी जा रही है भाई, इंडरी टीम और विदेशी प्लेयर अपने अंकित पथरेड़ी और नानू जयपुर। बाकी इस तरह से टीम बनी है। अभी भाई खिलाड़ी आने वाले हैं हमारे और साथ में जाएंगे गाड़ी, टूर्नामेंट के नज़ारे दिखाएंगे आपको, रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ फुल इंजॉय होगा भाई ब्लॉग में। और मेरे साथ है अपनी टीम भाई देवा, परम हुड्डा, चौंटी और यस्टरडे ही देवा यस्टरडे ही टूर्नामेंट जीत का आया भाई पलवल में, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया प्रदर्शन किया है। और अभी जा रहे हैं भाई पंजाब खेलने के लिए, मिलते हैं फिर रास्ते में भाई, चलिए मिलते हैं रास्ते। भाई अभी निकल चुके हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए गांव से, और यहां से 7 घंटे दिखा रहा है भाई, सफर बहुत ज्यादा है और 400 किलोमीटर के लगभग दिखा रहा है। तो अभी निकल चुके हैं, दानवीर भाई है मेरे साथ, के सभी प्लेयर है भाई खेलने जा रहे हैं, और टूर्नामेंट बहुत ही मस्त होगा भाई, बहुत सारी टीम आएंगी भाई, बढ़िया बढ़िया। अरेंजमेंट का काफ़ी विशेषता सुनी है मैंने वहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था, वैसे बैठने उठने तो दिखाएंगे वो सब कुछ आपको, चलिए मिलते हैं फिर रास्ते में भी दिखाएंगे कुछ ना कुछ। तो भाई पहुँच गए रास्ते में है अभी, और एक और टीम हमें मिली जीता भालोट भाई, और साथ में जाएंगे भाई, भाई कल हरिद्वार में बढ़िया प्रदर्शन किया भाइयों ने, सेकंड पोजीशन आई, 94 टीमों में से सेकंड पोजीशन रही भाई भालोट की, बढ़िया खेले सारे भाई, और अब जी साथ में ही जाएंगे। यहाँ से कितना पड़ा है जीते, हारा कितना पड़ा है यहाँ से, अब जा रहे हैं जहाँ 380-390 ना, 290 पड़ेगा, 4 घंटा लग जाएंगे है ना। हाँ भाई, तो भाई वहाँ के नज़ारे भी दिखाएंगे, अंकित भाई भी आ रहा है, नवीन भाई साहब, अंकित भालोट, सभी प्लेयर हैं, और यहाँ पे नर्सरी है भाई, पेड़ वेड़ देखने गए हैं भाई, दानवीर भोलू और भी प्लेयर आएंगे, सभी को दिखाएंगे भाई। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ भाई भालोट टीम के साथ, स्टार प्लेयरों के साथ जा रहा हूँ, देखो मैं भाई पंजाब टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। नवीन ये कौन सी सीट है तुम्हारी, यहीं पे जाते मतलब यहीं पे बैठ के जाते? अच्छा अच्छा, चलो आज फिट है फिर, कर देगा धमाल टूर्नामेंट में, जीता करा मैच, मैं जीता भाई, मैच में मेरा लगेगा। अच्छा अच्छा, धमाल करा, कमाल करा। तो भाई आज भालोट टीम में पंजाब के प्रिंस खेल रहे हैं, चौंटी भाई और सेरू ढावा, जो कि कोहराम मचा रखा है भाई सेरू ढावा ने, वो प्लेयर खेल रहे हैं, बढ़िया सेट है एकदम, सारे सेट बढ़िया भाई, जो भी सम्मिलित होंगे इस टूर्नामेंट में। और अंकित भाई है हमारे साथ, अंकित भालोट भाई ने ट्रॉफी और किट का किसी भी टूर्नामेंट कोई भी भाई कराए तो अरेंजमेंट करते हैं, पहुंचाने की जो भी जिम्मेदारी होती है वो करते हैं, उचित दामों पे सभी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई भाई का नंबर इस व्लॉग के नीचे दे दूंगा, संपर्क कर सकते हैं आप, ट्रॉफी वगैरह बढ़िया सिस्टम है भाई का, ठीक है। तो सहयोग करो भाई, जो खिलाड़ी भी हैं खेलने जा रहे हैं, देखो बढ़िया स्टार खिलाड़ी है भाई, तो एक खिलाड़ी की भावना खिलाड़ी समझ सकता है, समझ रहे हो आप, तो भाई सपोर्ट करो भाई को, जब भी ट्रॉफी की आवश्यकता हो पहले ही कॉन्टेक्ट कर लो और प्रोवाइड कर देंगे जहां भी आपको चाहिए किट वगैरह की, और किट में ही खेलना चाहिए सभी प्लेयरों को, नवीन मैं अभिषेक। और कल के जो सिकंदरपुर में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो LED जीतू 2 प्लेयर थे वो आपके सामने हैं, देख रहे हो अभिषेक भाई, बहुत खुश है भाई, बढ़िया खेला, बहुत अच्छे, काफी मतलब बॉल है, मतलब ब्लॉक की थी। हाँ हाँ, बाकी मेरा तो आपको पता ही है, बहुत ही फ्लॉप चल रहा है 4-5 टूर्नामेंट से, मुझे खुद महसूस हो रहा है। बाकी है, और हाँ भोलू भाई हमारे साथ, आशीष फोगाट भाई बताओ के
गेम आपका फ्लॉप होते हुए भाई जी पैसे कैसे निकले आप सेमीफाइनल में? ये भाई ये बताओ ना इसका उत्तर, इसको बताओ इसका फ्लॉप होने के बाद बेस्ट है वरना हाँ, फाइनल किस कारण दिया गया कमेटी को? देखो भाई फाइनल में को था ही नहीं बेस्ट सेमीफाइनल में। देखो इस पे मैं यही प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि देखो उन्हें बढ़िया गेम लगा मेरा, मतलब मैं अपने गेम से उस मैच में और टूर्नामेंट में ही अपने गेम से 50% संतुष्ट हूँ, 100% नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो भाई उन्होंने क्या देखा मतलब गेम में मेरे में, तो उस हाँ तो वो चीज है भाई देखा उन्होंने और जीते भाई हैवी ड्राइवर देख रहे हो जैसे बॉल मारते हैं ना तिरछी विरछी इधर उधर ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं घुमा देते हैं रोड पे, समझ रहे हो? साफ बना देते अच्छा जीते भाई आज के टूर्नामेंट की जैसे कि मैंने काफी तारीफ सुनी है मतलब अरेंजमेंट से लेके और वैसे भी बढ़िया टूर्नामेंट होता है हर साल होता है ना, हाँ तो क्या क्या सुविधाएं रहेंगी मतलब ऐसा आप सम्मिलित हुए हो कभी इस टूर्नामेंट में? पिछले साल हम जीत के आए थे। अच्छा अच्छा पांच ग्राउंड कम से कम मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा पांच बढ़िया चीज तो ये अच्छा ऊपर से फिर खाने पीने का अरेंजमेंट तो काफी टॉप पर कराते हैं वो, हर चीज की सुविधा देते हैं। अच्छा नहीं ऐसा ही होना चाहिए भाई, खेल देखो खिलाड़ी जाता है परेशान होके खेलने के लिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं, बैठने उठने की आराम करने की और खाने पीने की नहीं, इनाम बेशकम हो। हाँ इनाम बेशकम हो भाई है ना, ये चीज होनी चाहिए। देखो सभी खिलाड़ी इन चीजों को मानेंगे और हम सभी को यही उम्मीद है कि इन नियमों को लागू भी करेंगे सभी, है ना भाई? ऐसे ही है भाई आशीष, परेशान तो ना हो रही भाई पीछे नवीन तो आ गया जी भाई, मैं आ जाऊंगा पीछे है ना, चलिए मिलते हैं रास्ते में और भी एंजॉय होगा बहुत सारा, मिलते हैं फिर गाइस। एक कड़वी सच्चाई आपके सामने आई है, मेरे सामने भी आज ही आई है, और एक तो है सुधांशु सिकंदरपुर जो कल टूर्नामेंट कराया था ना, और एक हमारे साथ भी है आज, पहली बार पता लगेगा आपको, देख रहे हो भाई अंकित भलोट के नाम से जानती है पब्लिक, फेमस है बंदा, और इनका नाम है भाई क्या नाम है आपका? सुधांशु फोगाट देख रहे हो भाई, हमें भी अभी एक साल से पता चला है। ये सच्चाई ओनली प्रेम पवार ब्लॉग पे मिलेगी, चैनल पे यूट्यूब चैनल पे और कहीं नहीं मिल सकती, एक सच्चाई हो रहे हैं और सच्चाई हो प्रेम भाई आगे मैं खेलता लेफ्टी ओवर लिखता राइट हाथ से, ओ माय गॉड सोने पे सोएगा ये हमें पता चली भाई, ये ट्रॉफी डेट दा रहे थी इसकी, अच्छा पेटी पे लिखा था सोने हाथ लिखण लग रहा, अच्छा के लिखा था भाई देख रहे हो भाई, विचित्र प्राणी है भाई ये तो विचित्र प्राणी है, अब तो प्रैक्टिस कर रहा है दंसु भाई, लेफ्ट भी राइट भी अच्छा हो रहा है ना, सही है भाई बढ़िया दोनों हाथ चलने लगे, पब्लिक होनी चाहिए ये बातें अच्छी बातें हैं नहीं, दोनों हाथ चलने लगे ठीक है भाई। लो भाई 8 किलोमीटर रह गया टूर्नामेंट और अच्छा सफर रहा भाई, और देख रहे हो भाई बढ़िया दृश्य है एकदम व्यू बेहतरीन, और भाई जीते भाई अभी थके नहीं है कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, 4-5 घंटे का सफर बढ़िया रहा, पहुंचने वाले हैं ग्राउंड पे, दिखाएंगे ग्राउंड वगैरह, सिंगल रोड है भाई लोकल रोड है, भारत इंग्लैंड की गाड़ी मसाला कर लियो भाई, कैसे भारत इंग्लैंड चलना हो उस गाड़ी में पर कर लियो भाई, अच्छा चला चला इतने हो यही कम है, अच्छा हैबिट हो रही है आपको है, यूट्यूबर गए नहीं थे भारत दिल्ली थे, अच्छा अच्छा गाड़ी से ही है, गाड़ी से गया था स्पोर्ट वैन लेकर गया था, हैबिट हो जा भाई जो डेली चलानी, पहुंच के दिखाते हैं भाई ग्राउंड वगैरह, 5 ग्राउंड है भाई, धमाकेदार मैच होंगे, बताएंगे सब बातें दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम खाने का ध्यान देंगे, जलेबी जो वहाँ है ना बोलू ने हमें बताया बताई बताया
बदनाम कर रहा हूँ। अच्छा नहीं ठीक है। अरे बुराई क्या है इसमें, खाने पीने की चीजें खानी चाहिए, नहीं खानी नहीं, दही तोड़ देनी चाहिए, दही तोड़ देनी चाहिए। ठीक है भाई। अब आते ही खिलाड़ियों ने जलेबी पे ध्यान दिया है, क्या करना है भाई। जींद से है वैसे तो हैरी भाई है, और डेली व्लॉग देखते हैं भाई, सब्सक्राइबर भी है अपने हैरी भाई। और